बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले आपको मेरे दो यूनिवर पंजाब बार काउंसिल आसिफ शहजाद साहब का इंट्रोडक्शन करा दूँ। ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर इन अ क्रिमिनल ट्रायल एंड ही डिस्कस अबाउट द क्रिमिनल ट्रायल इन द प्रैक्टिकल टर्म्स। तो मैं आसिफ भाई को कहूँगा कि बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल, जैसे ट्रायल प्रैक्टिकल होता है, वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ अहमद कयूम भाई का और नूर साहब का, मुझे मौका दिया आपसे मुखातब होने का। और बड़ी शानदार एफर्ट्स है अहमद कयूम भाई की यहाँ पे, ये जो इतना शानदार जो इन्होंने लेक्चर्स का एहतमाम किया बार काउंसिल के लेवल पे, हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो आज की जो मेरे ज़िम्मे लगा क्रिमिनल ट्रायल के हवाला से, उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा सा जनरल प्रोस्पेक्टिव उसका मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। यकीनन क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से जो इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं, मुझे बताया गया, शायद उसमें थ्योरेटिकल जितनी चीज़ें हैं, जो थ्योरी जो है वो आपको बताई गई, और उस थ्योरी को जो हम पढ़ते हैं, जो उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, बेसिकली एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल जो एक ट्रायल होता है उसकी तरफ जाना हमारा मकसद होता है। और डेफिनेटली ये इस्टेब्लिश्ड है एवरीवेयर कि जो असल वकालत है वो ट्रायल है, और वो चाहे क्रिमिनल ट्रायल है चाहे वो सिविल का ट्रायल है। तो डेफिनेटली जो क्रिमिनल ट्रायल है उसके वाला से जो कुछ नीचे से ट्रायल में प्रोसीडिंग होके आती हैं मुफसल कोर्ट से, उन्हीं कोर्ट की बेसिस के ऊपर आपके आगे अपलेट कोर्ट में वर्किंग होती है, उन्हीं की बेसिस के ऊपर जाके सारी जजमेंट सेटल होती हैं, वहीं से सारा लॉ आपको डेवलप होता है और आगे से सुप्रीम कोर्ट तक वही एविडेंस वही सारी चीज़ें पड़ी जाती हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हवाले से मैं आपके साथ एक जनरल थोड़ा सा जो व्यू शेयर करूंगा कि FIR से ये मामला स्टार्ट होता है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो FIR जो है लॉज हुई, कंप्लेंट की शक्ल में जो कंप्लेनेंट है वो FIR लॉज करवाता है बिफोर द SHO। FIR लॉज होने के बाद डेफिनेटली उसमें जो फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हैं, इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में IO जो है वो मौका मुलाजा करता है, जो एविडेंस अवेलेबल होती है वो कलेक्ट करता है। वो एविडेंस मुख्तलिफ शक्ल में हो सकती है, वो ऑकुलर अकाउंट हो सकती है चश्मदीद शहादत की सूरत में, वो मेडिकल एविडेंस है, वो दीगर जो भी शहादत मौका पे सरकमस्टेंशियल एविडेंस की शक्ल में हो सकती है। तमाम वो शवाहद जो है वो इकट्ठे करता है इन्वेस्टिगेट करते हुए, और उसके बाद एक्यूज जो है डेफिनेटली उसको भी सुनना है, उसको भी देखना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद 173 की रिपोर्ट बनाता है, 173 की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में फॉरवर्ड कर दी जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये थ्योरी के तौर पे तो हम देखते हैं बुक्स में, 154 से आप स्टार्ट करते हैं CRPC से, तो ऑनवर्ड चलते जाएँ 167, 173 तक आगे तक। तो आज का जो मामला है ये 173 से आगे जो प्रैक्टिकल जो प्रोसीडिंग है उसके हवाला से हम आगे इसको लेके चलेंगे कि जब 173 की रिपोर्ट आज, क्योंकि हम कुछ प्रैक्टिकल काम करने जा रहे हैं, तो इसको ज़रा थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करनी है। और उसके बाद इसको हमने यूँ समझिए कि इस तरह एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले आपको थोड़ा सा हम उसका तरीक़ेकार बता रहे हैं और आपने उसको एक्ट करके दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 173 की रिपोर्ट जब मैजिस्ट्रेट साहब के सामने या ऑनरेबल सेशन जज साहब के सामने जाती है, तो सबसे पहला वो काम जो करते हैं, उनके सामने 173 की रिपोर्ट है, उन्होंने मुलजम को तलब करना है। सबसे पहले समनिंग ऑफ एक्यूज का ऑर्डर उन्होंने पास करना है। मुलजम जब कोर्ट में आता है उसकी अटेंडेंस लेने के बाद, उन्होंने उसको कॉपीज डिलीवर करनी है। उसमें वन जो कॉपीज हैं वो, अगर हम अभी जो बात करें 241 CRPC से स्टार्ट होता है मैजिस्ट्रियल ट्रायल के हवाले से, और अगर हम मर्डर ट्रायल या सेशन ट्रायल के हवाले से बात करें तो वो 265C से स्टार्ट होता है। तो 265C में जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको जो एक्यूज को दिए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में FIR की कॉपी, फर्स्ट जो कंप्लेंट है, 161 की स्टेटमेंट्स हैं, इंस्पेक्शन नोट्स हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो उनको दे दिए जाते हैं। और उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट फर्दर जुर्म का जो मैटर है वो भी कोर्ट, जो एक्विजिशन है उसके खिलाफ FIR में, उसके बाद 161 की स्टेटमेंट में जो एक एक्विजिशन है उसके हवाले से कोर्ट जो है
वो एक चार्ज फ्रेम करती है। अब चार्ज आप नोट कर लीजिए 165 सफे के ऊपर एफआईआर है, साथ साथ ही जी अभी हम इसको लेके चलेंगे। अब आप जरा डिस्प्ले पे देखेंगे कॉपी ऑफ एफआईआर 165 पेज पे है एफआईआर की कॉपी, बल्कि ये कंप्लेंट है, कंप्लेंट जो सबसे पहले कंप्लेनेंट ने अंदराजे मुकदमा के लिए जो दरख्वास्त दी है ये वो कंप्लेंट अभी अहमद भाई आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। पेज है 165 एफआईआर है 165 एग्जिबिट PB/3 उर्दू में है। आपके नीचे लगे होंगे पेज 165 देख लीजिए प्लीज, पेजेस के ऊपर जो नंबरिंग है उसमें 165 नंबर का उर्दू में है ये डिस्प्ले आ गया, ये यही वाली है इसके ऊपर ऊपर जी यहीं से जी ये FIR आ गया। तो ये FIR है आपके सामने। FIR के हवाला से मैं थोड़ा सा आपके सामने रख दूं, जो आज हम केस करने जा रहे हैं इस केस में जो आपके सामने स्टोरी है वो ये है कि मोहम्मद अनीफ शाह एक कंप्लेनेंट है, वो एक कंप्लेंट लॉज करवाता है। इसमें जो डिसीज्ड है मकतूल है वो अमीर शाह नाम का शख्स है और उसका एफआईआर की मैं ज़रा जिस्ट आपको दे देता हूँ। वो ये कहता है मोहम्मद हनीफ जो कंप्लेनेंट है वो कहता है कि मैं घर पे मौजूद था रात के वक्त में, बशीरा बीबी जो है एक खातून है, एक इसहाक शाह नामी शख्स है जो उनके घर में मेहमान आया हुआ है वो मौजूद है और उनकी मौजूदगी में रात का ये टाइम है तकरीबन कोई 1:30 बजे रात का, ये उसके घर में मुलजमान घुस के आते हैं। ये 3 नामजद मुलजमान हैं, एक मुस्तफ़ा शाह नाम पहला शख्स है मुस्तफ़ा शाह, दूसरा है अल्ताफ शाह, तीसरा अली अकदस शाह और उसके साथ 2 कस नामालूम मुलजमान हैं। FIR अगर आप देखें तो ये जो मुलजमान आते हैं उसमें एक मुलजम जो है वो ललकारा मारता है, मुस्तफ़ा जो है वो उसके ज़िम्मे है कि मुस्तफ़ा ने फायर मारा बंदूक 12 बोर का मोहम्मद अमीर शाह को जो दाईं तरफ छाती पर लगा। उसके बाद दूसरा रोल आता है अल्ताफ शाह ने फायर राइफल किया जो अमीर शाह को बाईं तरफ छाती से थोड़ा नीचे लगा। इसी तरह अली अकदस के ज़िम्मे राइफल का फायर है जो अमीर शाह को दाएं कंधे और गर्दन के दरमियान लगा। और 2 कस नामालूम शख्स हैं जिनके ज़िम्मे इल्ज़ाम है कि वो जाते हुए हवाई फायरिंग करते हुए गए हैं और वजह अनाज इसमें ये बयान हुई है और इन्हीं ज़रबात की वजह से अमीर शाह की डेथ हो जाती है। और वजह अनाज ये है कि प्रीवियस एनमिटी है पार्टीज के दरमियान जिस वजह से ये कत्ल हुआ है। तो हमने ये फाइल मैंने इसलिए सिलेक्ट की कि अगरचे ये इनिशियल स्टेज पे आपके पास हर्ड केसेस आते हैं ट्रायल का भी मामला आएगा लेकिन मर्डर केस जो है आपके हाथ से एक दफ़ा गुजर जाए तो जितना भी ट्रायल का प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा और उसके साथ साथ जो एक मर्डर ट्रायल आप करते हैं तो ये छोटे जो केसेस हैं 324 के केसेस हैं या हर्ड केसेस हैं वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हवाले से ये आपके सामने एक FIR आई जो क्रिमिनल लॉयर है उसके सामने और ख़ास तौर पे जो प्रोसिक्यूशन साइड से जब आप हैं या डिफेंस साइड से आप हैं आपके जहन में ये बात आनी चाहिए FIR को देखते हुए कि मेरे पास एविडेंस कौन कौन सी है। अगर आप मैं अभी पहले प्रोसिक्यूशन वालों से मुखातब हूँगा कि प्रोसिक्यूशन वाले जो हैं वो इसको देखेंगे कि हमारे पास शहादत कौन कौन सी है, कितनी किस्म की शहादत है हमारे पास अवेलेबल। FIR में सबसे पहले आपको FIR बताती है कि शहादत की काइंड्स कितनी है। FIR ये वाली FIR ये बता रही है कि इसमें चश्मदीद गवाहान हैं जिन्होंने वकूआ देखा है और वो 3 गवाह हैं मोहम्मद हनीफ है, बशीरा बीबी है और एक इसहाक है, वो क्लेम करते हैं कि हमने वकूआ देखा है। दूसरा इसमें जब इस बंदे को लेके FIR के बाद पोस्टमार्टम इसका करवाया गया तो डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जो पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट है वो दूसरी एक एविडेंस है आपके पास मेडिकल एविडेंस की शक्ल में। ये मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये दूसरी जो एविडेंस है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एविडेंस है इस केस में आपके पास। और मैं अहमद भाई से कहूँगा पेज 179 पे जरा बच्चों को दिखाएं 179 से 184 पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी हुई है। जी बिल्कुल यही है।
नहीं, इसमें फर्स्ट क्लेम सीधा पोस्ट मार्टम, इसमें इंजरी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग के लिए थोड़ा सा कर दूं कि ये इंक्वेस्ट, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले का थोड़ा सा प्रोसीजर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मौका पे जाके करना होता है, और ये आमतौर पे दोस्त इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। यही बुनियादी ट्रायल का जो लॉयर है उसको पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो क्या क्या गलती करता है। हम जजमेंट्स में ये तो पढ़ते हैं कि देर इज डिले ऑफ FIR, देर इज डिले ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, या क्राइम एंटिटीज में ये प्रॉब्लम है, ये मैचिंग रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी रीजंस क्या होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ उसका मैं देना चाहूँगा कि तफ्तीशी ने जब मौके पे जाना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, उसने करना क्या है। FIR उसको मिली, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वो मौका पे गया। सबसे पहला काम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वहां पे करना है, उसने डेड बॉडी को इंस्पेक्ट करना है। उसको डेड बॉडी को उसने देखा कि इसके ऊपर कितनी इंजरीज है, उसके मुताबिक वो उसकी एक इंजरी स्टेटमेंट बनाता है, एक कागज के ऊपर, एक पेज के ऊपर लिखता है कि इसके जिस्म पर ये जरबात है, एक जरब इसके चेस्ट पे है, एक इसकी बैक पे है, एक इसकी यहाँ पे है। इस डॉक्यूमेंट को हम इसको इंजरी स्टेटमेंट कहते हैं। उसके साथ इसको वो कन्वर्ट करता है एक दूसरे डॉक्यूमेंट में, इसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। इंक्वेस्ट रिपोर्ट वो तैयार करता है, और उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट में, ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है, उसमें तमाम डिटेल्स कि उसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जारी तौर पे जब उसको देखा तो डेड बॉडी की कंडीशन क्या थी, उसकी इंजरीज कहाँ कहाँ पे थी, लोग कौन कौन मौजूद थे, डेड बॉडी के इर्द गिर्द क्या क्या था, कौन कौन सी एविडेंस मौके पर थी, तो तमाम चीज़ों को वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में लिखता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट में लिखने के बाद अब वो एक अप्लीकेशन ड्राफ्ट करता है फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। FIR पहले हो चुकी है, उसके पास है, FIR की कॉपी उसके पास मौजूद है, उसके पास कंप्लेंट मौजूद है तफ्तीशी के पास, और उसके बाद उसने इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की, इंजरी स्टेटमेंट तैयार की, उसके बाद उसने एक अप्लीकेशन फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तैयार की, और वो डॉक्यूमेंट दे के और डेड बॉडी को दे के उसको भेज दिया डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल भिजवा दिया किसी भी DHQ में, THQ में, जहाँ पे पोस्टमार्टम की सहूलत मैसर हो। वहां पे जब डेड बॉडी पहुंच दिया तो वो डॉक्टर जो है विदाउट एनी डिले उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। अब IO मौके पे मौजूद है, IO साथ नहीं गया, किसी कांस्टेबल के हाथ में उसने डेड बॉडी भेजी, साथ दो गवाह भेजे जिसने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना है। उसने मौका पे अब काम क्या करना है, जो बाकी काम उसका रह गया, उसने दीगर एविडेंस कलेक्ट करनी है जो मौके पे मौजूद है। वहां वो देखता है कि जब फायरिंग हुई है तो मौके पे खौल पड़े हुए हैं, वो खौल उठा लेता है, उसकी फर्द बनाता है, फर्द मकबूजगी तैयार करता है, उसके ऊपर दो गांवों के सिग्नेचर करवाता है, इसको हम कहते हैं जिसने फर्द मकबूजगी, क्राइम एम्प्टीज या जो सिक्के या उसको जो भी बरामद हुआ मौके से, वो खौल कारतूस है, खौल गोली है उसकी है। इसी तरह से मौका से कोई दीगर कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसको मिली है, कोई वेपन कोई पड़ा हुआ मिल गया, कोई मुलजम का जूता मिल गया, कोई दीगर जो भी उसको मट्टी खून लूद मिल गई कि जहाँ पे वो इंजरीज लगने के बाद वो गिरा था, उसकी उसको मट्टी को वो लेके उसको एक बकायदा उसका पार्सल तैयार करता है, डिब्बी में डाल के उसका पार्सल तैयार करता है, और उसको फॉरेंसिक को भिजवाया जाता है कल को डिटरमिन करने के लिए कि ये ह्यूमन ब्लड है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो बड़े सारे अनफॉर्चुनेटली हमारे इस मुल्क में जो एविडेंस है उसकी, जो लोग बहुत सारी चीज़ें मैन्यूवर्स करते हैं, तो उस मैन्यूवरिंग के वाला से जितना मैक्सिमम एफर्ट्स की जा सकती हैं सिक्योर करने की एविडेंस को, वो की जाती है उसमें। तो ये सारी एविडेंस उसके बाद वो 161 की स्टेटमेंट्स लिखता है गवाहों की, कि जो गवाह क्लेम करते हैं कि मैंने मौके पे वकुआ देखा है, वो उनके बयानात लिखता है। जो लोग दीगर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स होते हैं वो कहते हैं जी हमने भी देखा है वकुआ, उनकी भी बरदरियाफ्त वो लिखता है। उसके बाद वो नक्शा मौका तैयार करता है कि जनाब इस तरह से वो जो गवाहान हैं जो क्लेम कर रहे होते हैं कि हमने वकुआ देखा था, वो उसको बताते हैं जनाब कि यहाँ मुलजम खड़े थे, यहाँ हम खड़े थे, इतनी दूर से फायर मारा गया था, वो सारी डिटेल जो है वो उसको वो बताते हैं। तो वो नक्शा मौका बिला स्केल जो है वो तैयार करता है। बाद में एक आध दूसरे दिन बुला के नक्शा नवीस को भी उसको बकायदा तौर पे उसकी जो बास स्केल नक्शा उसकी प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ उसको नक्शे को वो करवाता है। तो ये वो एविडेंस है जो फर्स्ट डे उसने कलेक्ट की, और उसकी बेसिस पे फर्दर जो भी एविडेंस, इसी तरह से जितने दिन वो इन्वेस्टिगेट करता है उसको बकायदा एक प्रॉपर शक्ल में बना के 173 की रिपोर्ट वो तैयार करता है। उसमें मुलजम का डेफिनेटली मुलजम का वर्जन जो उसने वर्जन दिया वो भी
जो मुलजम गिरफ्तार हुआ उसने कोई डिस्क्लोजर किया, उसने कुछ रिकवरीज करवाई, वो डिस्क्लोजर और वो रिकवरीज जो है उनको भी वो रिकॉर्ड पे लेके आता है, बाकायदा तौर पे फर्द मकबूजगी की शक्ल में एक डॉक्यूमेंट बनाता है, वो सारा कब्जे में लेता है, पिस्टल कोई रिकवर हो गया, कोई दीगर चीजें रिकवर हो गई। ये तो केस है जिसमें फायर आर्म इंजरीज है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जहर खुरानी का केस है, किसी को जहर दिया गया, कोई इस तरह का और कोई मोड जो मोड ऑफ मर्डर कोई और भी हो सकता है, तो उसके हवाला से वो एविडेंस वो सारी कलेक्ट करता है। तो अभी हम आज अपने आप को फोकस रखेंगे इस केस की हद तक। तो अब इस केस में डिफेंस वालों ने, जो मैं पहले प्रोसिक्यूशन से बात कर रहा था, तो इसमें आपने देखना है कि आपके पास अवेलेबल एविडेंस कौन सी है। मैं आपको जो बता रहा हूँ अब इसको प्रोड्यूस आपने इसको अपने अंदाज में करना है जब हम ट्रायल स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद अलीफ का स्टेटमेंट होगा, उसके बाद दीगर जो गवाहान है इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर का बयान आप रिकॉर्ड पे लेके आएंगे, और दूसरे जो उसने मौका से ये सारे डॉक्यूमेंट हमने आपके इसके अंदर लगाए हुए हैं, उसने मौका से कॉल लिए हैं, जो मुलजमान से रिकवरीज हुई हैं वो सारे वेपन की रिकवरीज की रिपोर्ट्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, और उसके बाद नक्शा मौका बिला स्केल मौजूद है, बा स्केल मौजूद है, वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। तो उसको आप प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बुनियादी लॉ ये है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना है। डिफेंस के हवाला से ये है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना केस साबित करें। इवन मुलजम कोई भी प्ली ले लें, वो उसके मुतल्लिक कहा जाता है कि अगर वो 100 प्ली लेता है और सारी की सारी प्ली रॉन्ग हो, इसके बावजूद प्रोसिक्यूशन ने अपनी स्टैंड पे जो उसका जो स्टैंड है वो अपनी लेग्स पे होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है और यही सेटल्ड लॉ है। तो डिफेंस वाले जो है उनके हवाले से मैं बात करूंगा। जब आपके सामने FIR आती है तो सबसे मैं कहता हूं कि सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग और खूबसूरत वकालत जो है वो डिफेंस साइड वालों की होती है। मैं ज़्यादा डिफेंस साइड से मैं केसेस करता हूँ, तो उसमें यह है कि आपने गलतियाँ पकड़नी हैं, आपके ज़िम्मे ये है कि प्रोसिक्यूशन जहाँ जहाँ पे फॉल्ट करती है आपका वो चीज़ें जो है वो प्रोसिक्यूशन के केस में डेंट लेके आती हैं। जितने आप डेंट्स क्रिएट करेंगे, जितने आप उसमें सस्पेक्टेड बनाएंगे उस केस को, जितना सस्पिशन उसमें आता जाएगा आपका उसका बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलता जाएगा। आपका केस जो होता है आपने उसमें उसको बेनिफिट ऑफ डाउट की तरफ लेके जाना है कि आप वो बेनिफिट ऑफ डाउट किस तरह लेके आते हैं। तो उस हवाला से आपका जो काम है, डिफेंस का काम जो है कि आप देखें कि आपके सामने FIR आई है, तो FIR में आप उसको एक दफ़ा पढ़ें। मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है कि FIR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या कंप्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि आप इसको जितनी दफ़ा पढ़ेंगे आपको हर दफ़ा नई चीज़ मिलेगी, आपको हर दफ़ा नया डिफेंस मिलेगा, आपको हर दफ़ा जो है वो चीज़ें आपके माइंड में आएंगी कि मैं इसको ये डिफेंस ले लूँ और ये और दूसरी बात सबसे अहम जो है, मैं ये कहता हूँ कि जो डिफेंस लॉयर होता है पर्टिकुलरली वो एक शानदार स्टोरी राइटर होता है। आपने जो स्टोरी लिखनी है आपने स्टोरी को इतना सोच समझ के लिखना होता है, इस तरह से पेंट करना होता है कि आपकी स्टोरी, देखें दो स्टोरीज हैं, एक स्टोरी है प्रोसिक्यूशन की, उनका बंदा मर्डर हुआ हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, मेडिकल एविडेंस पास है, गवाहान क्लेम कर रहे हैं, आपके पास माँ सिवाय इस बात के कि आपने अपना एक मौकफ देना है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है देने को। अब आपने अपना डिफेंस इतना शानदार लेके आना होता है कि आपका मौकफ और उनका मौकफ जो है जब जैक्सा पोजिशन में रखा जाए तो आपका मौकफ माना जाए कि आपका मौकफ दुरुस्त है, प्लाजिबल आपका मौकफ लगता है, प्रोसिक्यूशन जो है वो यहाँ से प्रोसिक्यूशन का फेल्यूर है। तो उस हवाला से जो है इस केस के हवाला से मैं जो थोड़ा सा क्योंकि हमें केस को ट्रायल करना जा रहे हैं तो मैं ऐड ये करूंगा कि अभी देखें आपके पास मुलजमान हैं, मुस्तफ़ा के ज़िम्मे है बंदूक 12 बोर का फायर, प्रोसिक्यूशन वाले भी सुन लें, ये आपका भी पॉइंट है डिफेंस का भी पॉइंट है। अल्ताफ शाह और अली अकदस शाह जो हैं, ये मैं आपके लिए प्रोसिक्यूशन के लिए भी और डिफेंस के लिए भी बात कर दूँ कि जब तफ्तीश हुई इस केस में, जब 173 की रिपोर्ट बनी तो अल्ताफ शाह और अली अकदस शाह जो दो मुलजमान हैं दे वर फाउंड इनोसेंट, ये दो मुलजमान बेगुनाह पाए गए। ये आप ये नुक्ता रिकॉर्ड कर लें, ये नुक्ता आप लिख लें, प्रोसिक्यूशन भी लिख लें, डिफेंस को कल इसकी हमने एक जजमेंट बाद में देनी है और आपको। और जो मुस्तफ़ा शाह है, मुस्तफ़ा शाह गिल्टी हुआ, गुनहगार पाया गया, मुस्तफ़ा शाह से वेपन की रिकवरी भी हुई, वेपन की रिकवरी भी हुई मुस्तफ़ा शाह से,
और उसको पुलिस ने 173 की रिपोर्ट के कॉलम नंबर 3 में चालान किया। कॉलम नंबर 3 में गिल्टी लोग चालान होते हैं, कॉलम नंबर 2 में वो लोग रखे जाते हैं जो इनोसेंट होते हैं या रेड इनके साथ आएंगे तो एब्सकॉन्डर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में कोई एब्सकॉन्डर नहीं है, इसलिए एब्सकॉन्डर की बात नहीं कर। तो उसके बाद दो कस नामालूम शख्स थे, दो कस नामालूम जो थे उसकी जगह पे दो लोग नामजद हुए, वो डॉक्यूमेंट भी एफआईआर के आगे लगा हुआ है, शाहिद इकबाल और जोरे खां, ये दो लोग दोबारा नामजद हुए, ये दो लोग अननोन पर्सन की जगह पे नामजद हुए। तो अब इसमें इसको आप जरा देखें, एफआईआर को देखें, प्रोसिक्यूशन भी देखें, डिफेंस भी देखें कि अब इसके साथ जो आपने काम करना है, जो आपका प्रोसिक्यूशन का काम यह है कि आपने देखना है, आपने एविडेंस इस तरह से पेश करनी है, इस तरह लैंड करनी है कि आपकी ऑकुलर अकाउंट चश्मदीद शहादत और आपका मेडिकल मैच कर जाए, इन लाइन आ जाए। इसके साथ आप वो एविडेंस भी रिकॉर्ड पे पेश करें जो आपकी फेवर में दूसरी एविडेंस है जो आपके केस को मजबूत करती है। ये आप में से जो लोग भी यहाँ पे आएंगे वो नोट करें इसी फाइल में से कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको मजबूत कर रहे हैं इस फाइल में, जो आपको मजबूत कर रहे हैं। डिफेंस वाले देखें इस केस में कि एफआईआर से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट की तरफ लेके जा रही हैं, कौन सी चीजें। मैं इसकी मिसाल आपके सामने, छोटी सी मिसाल जो बेनिफिट ऑफ डाउट के हवाले से एफआईआर को देखें तो नाइट अकरेंस है, रात का वकूआ है, अंधेरे वाला एलिमेंट एक बेनिफिट ऑफ डाउट की तरफ जा सकता है। ये मैं सिर्फ आपको बताने के, लेकिन इसकी डिटेल में बाद में मैं आपको बताऊंगा एंड पे, जब इसको मैं केस को हमने किस तरह आर्ग्यू करना है। तो इमीडिएटली ये चीज़ें हैं आपके सामने। तो इसको अब हम फर्दर जो प्रोसीड करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन साइड है, अहमद भाई आपकी मुझे थोड़ी सी ज़रूरत होगी, तो इसमें अब प्रोसीड जैसे हमने करना है कि अब तरीक़ेकार ज़रा मैं लास्ट में प्रोसिक्यूशन फर्दर जुर्म मैं पढ़ के सुनाऊंगा, फर्दर जुर्म के बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी एविडेंस देगी कि ये हमारे पास एविडेंस है, फला फला हमारे गवाहान हैं, और उसके बाद डिफेंस वाले क्रॉस एग्जामिनेशन देखेंगे क्या क्या सवाल, और आप लोगों ने सवाल भी करने हैं, आपके जहन में क्या क्या सवाल आते हैं और आपके क्वेश्चन मैं लिखूंगा कि आपके जहन में इसको पढ़ के क्या सवाल आए हैं जहन में। उसके बाद जो जब ये एविडेंस हो जाएगी, कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन की एविडेंस मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद एविडेंस क्लोज का ऑर्डर कोर्ट करेगी और उसमें प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस का स्टेटमेंट देगी कि हम अपनी एविडेंस क्लोज करते हैं। फिर उसके तो उसके बाद जो डिफेंस है इनका 342 का अक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो 342 में कि वो किस तरह से आप उसको ला के अक्यूज का क्या वर्शन लेते हैं, वो क्वेश्चन किस तरह होते हैं, वो सारा का सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। तो उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट पे जब मुजरिम अपना स्टेटमेंट मुकम्मल करेगा तो उसके बाद जो है वो इसके फाइनल आर्गूमेंट होंगे, उसके ऊपर जजमेंट दे दी जाएगी। तो इसमें अभी रिकॉर्ड पे है चार्ज शीट, यानी आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रायल शुरू हो रहा है। इसको चार्ज थोड़ा सा ऊपर घुमाइए, इसमें देखिए आप, कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया, ऊपर मुलजमान के नाम है, नीचे मियां अब्दुल जब्बार साहब एडिशनल सेशन जज साहब हैं। उन्होंने 148 के तहत पहले पैरे में लिखा कि आप सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने ये काम किया है, उसमें अनलॉफुल असम्बली और वो सारा एलिमेंट। उसके बाद नीचे आप आए तो आपने 302-148 का इंतकाब किया है, ये सारी एक्यूजिशन उनको पढ़ के सुना दी गई। 265 जो है हम सी से शुरू किया, डी में चले गए, अगरचे हम उसकी तरफ ज़्यादा मैं सेक्शन नहीं बताता, वो आपने सारा पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद मुलजम ने कहा जी नहीं मैंने ये वकूआ नहीं किया, तो मुलजम ने डिनाई कर दिया, तो प्रोसिक्यूशन से कहा कि अपनी शहादत लेके आए। अब प्रोसिक्यूशन जो है, मैं रिकॉर्ड पे जो एविडेंस है पेज 75 पे हनीफ का बयान है सर, PW4 75-81 जरा आप लोग देख लें, ये दोनों साइडें देख लें, फिर उसके बाद हमने आरू करना है इस केस को। तो 75 से 81 पेज आपके सामने ये गवाह पेश हुआ है,
पहला गवाह हनीफ पेश हुआ है, उसने ऑन ओथ आके स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद ये यहाँ तक उसका एग्जामिनेशन इन चीफ था, उसके बाद डिफेंस को मौका दिया गया आप इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करें, ये डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है इस पर, उन्होंने अपना मौकफ दिया है, डिफेंस ने जो जो उनकी मिस्टेक्स थी जो जिरा में वो पूछ सकते थे वो सारा कुछ वो रिकॉर्ड पे लेके आए हैं, ये सारा का सारा वो सफ़ा मिसल पे है। उसके बाद पी डब्ल्यू इस तरह 5-7 ये सारी एविडेंस है, और उसके बाद एम भाई आप इनको पेज दिखाइएगा 64 पेज पे डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने आके अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई है, ज़रा इसको देखिए आप, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हैं, इन्होंने अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई है, अपनी शहादत उन्होंने दिया कि जी मैंने इस तरह पोस्टमार्टम किया है और फलां फलां इंजरीज मैंने नोट की हैं, वो डॉक्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उसके बाद बाकी जो एविडेंस है छोटी मोटी बाकी जो एविडेंस है आईओ की स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड पे आई, मैं उसके बाद मोस्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आऊँगा। आपके पास जो है उसमें 170 ज़रा वहाँ पर आइएगा, 170-71 से आगे 170 सर, जी सर ये 170 आप देखें, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोसिक्यूशन के पास थे, जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुए हैं इधर मुझे, ये आप देखते जाइए, ये एक डॉक्यूमेंट है फर्द मकबूजगी पार्ट 4, उसके जो ब्लड स्टेन क्लोथ वगैरह थे कब्जे में पुलिस में लिए, ये फर्द मकबूजगी है। इसी तरह से एग्जिबिट PC ये डॉक्यूमेंट्स हैं फर्द मकबूजगी, इसमें 4 पाई खून आलूद जो है वो सफा मिसल पे है, जो डिसीज जो है जब उसको फायर लगे हैं तो वो 4 पाई जो थी जिसमें वो गिरा वो ब्लड स्टेन थी वो वाली 4 पाई है। इसके बाद ये एक नक्शा है जो रिकवरी का है, ये नजरी बिला स्केल ब्राह्म की रिकवरी जहाँ से एक्यूज ने रिकवरी करवाई है ये उसका नक्शा है, ऊपर से देखिए ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन के पास रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, ये सारे फोन सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे। ये इसी तरह से ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फर्द मकबूज की राइफल है जो एक्यूज गुलाम मुस्तफा से रिकवरी हुई है, तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी सर ज़रा 342 का स्टेटमेंट ज़रा स्टेटमेंट जो एक्यूज जो है ना ये ज़रा एक को दिखा दीजिएगा, ये है ये सारे डॉक्यूमेंट्स मीमोज आ गई साइड प्लान्स आ गए, और उसके बाद कुछ प्रोक्लेमेशन रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर, मैं 347 जी ये है, इसमें पेज 28 पे अली अकदस का स्टेटमेंट 121-123, उसके ऊपर अल्ताफ हुसैन एक्यूज का स्टेटमेंट, ज़रा ये मेरा ख्याल में इनके पास वो शायद नहीं है, हमने 4 शीट से आगे चले तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये है आपके पास सारे का सारा मटेरियल दोनों साइड्स के ऊपर, तो इसको ज़रा आप देख लीजिए। इसमें अभी कोई क्वेश्चन इससे पहले कोई करना चाहें अभी, उसके बाद हम शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आप आर्ग्यू करेंगे इसको कि आपके जहन में इस FIR को लेके क्या आता है, आपके पास एविडेंस क्या है, आपका केस साबित करके आप क्या कहते हैं कि मुलजमान को कितनी कितनी सज़ा होनी चाहिए, क्या क्या सज़ा उनकी बनती है। 20 मिनट दे दीजिए आपको, हाँ जी हम आपको 20 मिनट दे रहे हैं, इसको आप देख लें डिस्कस कर लें आपस में वो सारा करके, उसके बाद हम दोबारा आपको इसको टेकअप करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको वैसे कल भी दे दिए थे, अगर किसी ने पहले तैयार किया हुआ वो उन 20 मिनट के अंदर यहाँ पे आर्ग्यू कर सकता है, मगर अभी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके मुताबिक देख लेते हैं। नहीं चलना नहीं, अच्छा ठीक है फिर रोक लीजिए, आप प्लीज़ दोस्त देख लीजिए, अच्छा भाई 20 मिनट आपके पास है। जी जी हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछना चाहिए इसमें इस तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको दोनों साइड सारे वो सभी समन हुए हैं, दे वर प्लेस इन कॉलम नंबर 2, दे वर समन्ड बाय द कोर्ट एंड दे वर आल्सो ट्राइड बाय द कोर्ट।
देखिए डिफेंस की मैंने अर्ज किया कि डिफेंस की कोशिश ये है कि वो आपके जो एलिगेशन हैं उनके खिलाफ उसको डिसप्रूव करें। हाँ डेफिनेटली आप तो बिल्कुल प्रोसिक्यूशन की तरह सोच रहे हैं। आप इसको देखें फॉर बीइंग डेफिनेटली बीइंग काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट यही आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि ये मर्डर भी हुआ है। लेकिन अब एक आम बंदे में और आप में एक फ़र्क थोड़ा सा ये होना चाहिए कि एक लेमैन जो है या कुछ लोग ये समझते हैं कि मर्डर हुआ है तो मर्डर का मतलब है कि इन्होंने किया है। एक बात बड़ी ज़रा गौर से आपने आप ज़हन में रखें कि कोई भी अकरस जो है ना उसका होना ये डिस्प्यूटेड नहीं होता कि अकरस हुआ है, लेकिन क्या जिसके ऊपर एलिगेशन है क्या अकरस उसने किया है। आप देखते हैं कोर्ट्स में हर रोज़ कि हर रोज़ मर्डर केसेस जो हैं वो बरी होते हैं। जनरली एक बंदे के खिलाफ ही कई दफ़ा इल्ज़ाम होता है तो एक बंदा जो उसके ऊपर फायर होता है और वही सारा कुछ, लेकिन वो बंदा भी कोर्ट बरी कर देती है। तो मेनली जो डिफेंस ने साबित करना है उन्होंने कोशिश ये करनी है कि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि गवाह मौके पर नहीं थे, उन्होंने अकरंस नहीं देखा। डिफेंस ये लाएगी कि उन्होंने अकरंस नहीं देखा, आप ये लाएंगे कि गवाहों ने मौके पे अकरंस देखा है और उन्होंने राइटली ऑब्जर्व किया है और ट्रूली स्टेटमेंट उन्होंने दी है बयान। वो चलान हो गए, एक था शाहिद इकबाल, एक जोरे खां ये भी चलान हुआ इस केस में। दोनों का अभी जजमेंट जो है ना वो ज़रा आप देखें, इसमें ये दोनों मुलज़म गुनहगार हुए हैं, शाहिद इकबाल और जोरे खां दोनों गिल्टी होके चलान हुए हूँ। दो नामजद मुलज़म बेगुनाह हुए हैं और एक मुलज़म गुनहगार हुआ है, जो दो अननोन थे वो चलान हुए हैं। जी जी बिल्कुल, FIR से आप स्टार्ट लेंगे, FIR से स्टार्ट लेंगे, उसके बाद आपके पास जो डेफिनेटली पहले FIR के बाद जो अच्छा मोड होता है आर्ग्यू का, या कोई भी जज जो अच्छा जज है वो पहले आपसे FIR के बाद आपको पोस्टमार्टम पे या मेडिकल एविडेंस पे लाता है कि आए जी इस पोस्टमार्टम में देखें पहले क्या वो इंजरी भी एग्जिस्ट करती है, उसके बाद फिर आप ओकुलर अकाउंट पढ़ेंगे, पहले FIR और उसके बाद पोस्टमार्टम या डॉक्टर का बयान। चश्मदीद शहादत जिनका क्लेम है कि हमने वकूआ देखा,